हेलो so, दोस्तों अगर आप भी ड्रीम अलेवन खेलते हो ना तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको ड्रीम एलेवन का जो ग्रैंड लीग का जो काला गणित होता है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं आप ड्रीम एलेवन इसलिए खेलते हो क्योंकि आप भी सोचते हो कि ड्रीम एलेवन में जो ग्रैंड लीग होता है उसमें मैं रैंक वन आकर अच्छा खासा विनिंग करूंगा लेकिन आज तक आप रैंक वन में नहीं आ पाए हो लेकिन मैं इतना गारंटी लेता हूं कि अगर

रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना दस मिनट अगर आप दे दोगे ना तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये आपको करोड़पति बना सकता है लाखपति बना सकता है लेकिन आप आप करते क्या हो हो मिनट मिनट भी देने के लिए तैयार नहीं हो। अगर आप दस मिनट दे दोगे ना तो पूरा पूरी आपको नॉलेज हो जाएगा आप हमेशा के लिए सीख जाओगे कि टीम कैसे बनाया जाता है और रैंक वन में कैसे आया जाता है तो सब मैं आपको बताने वाला हूं मैं आपसे सिर्फ दस मिनट मांगता हूं वही आपके लिए काफी होने वाला है अब आपका जो पूरा ध्यान है ना इस वीडियो पर लगा दो और 10 मिनट पूरा ध्यान से डिटेल एक मैच का एग्जाम्पल लेकर समझाने वाला हूँ मैंने एक मैच ले लिया है मान लो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हो रहा है मैच कोई भी हो सकता है चाहे वर्ल्ड कप हो आईपीएल हो टी ब्लास्ट हो

समझ में आ चुका है अब जो इसमें एलेवन प्लेयर होता है इसमें आपका विकेट कीपर होता है आपका बैट्समैन होता है आपका ऑलराउंडर होता है और बॉलर भी होता है तो आपको इन चार सेक्शन को फिलअप करना होता है अपने टीम में अब ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं अब कोई भी टीम ले लो उसमें जब ग्यारो प्लेयर होता है ना तो उस ग्यारो प्लेयर में कम से कम पांच ऐसा प्लेयर होता है जो प्रॉपर बॉलर होता है कम से कम चार से पांच प्लेयर ऐसा होता ही होता है जो प्रॉपर बॉलर होता है जो उस मैच में केवल और केवल बॉलिंग करता है तो मैंने मान लिया कि आपका दोनों टीम से जो प्लेयर सेवन प्लेयर एट प्लेयर नाइन प्लेयर टेन और प्लेयर इलेवन सात आठ नौ दस ग्यारह सात आठ नौ दस ग्यारह यानी दोनों टीम से मैंने मान लिया कि ये वाला टोटल पांच पांच जो प्लेयर है वो दोनों टीम से बॉलर होगा यानी कम से कम चार से पांच बॉलर होता ही होता है जो मैच में बॉलिंग करता है ऑलरेडी आपको पता होगा तो इस प्रकार मैंने मान लिया कि जो आपका प्लेयर सात से प्लेयर ग्यारह तक है दोनों टीम से वो आपका प्रॉपर बॉलर है अब यहां पर देखोगे प्लेयर वन से प्लेयर छे तक ये जो आपका टोटल छे प्लेयर है छे प्लेयर है इसमें आपका विकेट कीपर भी शामिल होगा बैट्समैन भी शामिल होगा ऑलराउंडर भी शामिल होगा ऐसा क्यों होता है क्योंकि भी बैट्स बैटिंग करता है बैट्समैन तो ऑलरेडी बैटिंग करता ही करता है और ऑलराउंडर क्या करता है बैटिंग भी करता है और बॉलिंग भी करता है इसलिए सभी चीज इसमें शामिल होता है अगर मैं आपको बोलूं कि जो आप मैच में टीम बनाते हो अगर उस मैच के बारे में आपको पहले ही पता है कि उस मैच में क्या होने वाला है तो आपको कोई रोक सकता है रैंक वन में आने के लिए आप सिंपली बोलोगे

लॉजिक से और जब आपका लॉजिक काम कर जाएगा ना तो समझना उस उस दिन आप वन में 100 आओगे, उस दिन आप आप रैंक में आओगे बल्ले बल्ले रहोगे तो समझना क्या है देखो यही वाला लॉजिक आपको आपको लगाना है आपको हर एक मैच में यही है कि ले तो मान लेते हैं कि इंडिया ने फर्स्ट में बैटिंग किया और एक बनाया वो भी नब्बे विकेट के नुकसान पर समझ में आ चुका है और पाकिस्तान ने सेकंड में बैटिंग किया और एक सौ रन से बना दिया एक विकेट के नुकसान पर आप इसको चेंजिंग भी कर सकते हो उल्टा भी कर सकते हो जैसे कि पाकिस्तान ने फर्स्ट में बैटिंग किया एक सौ नब्बे रन बनाया आठ विकेट के नुकसान पर वहीं इंडिया ने सेकंड में बैटिंग किया एक सौ एकानवे रन बनाया एक विकेट के नुकसान पर इसको पलट भी सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अब इसमें आपको समझना क्या है वो आपको अपना दिमाग खोलना पड़ेगा अब यहां पर देखो हर एक मैच में आपको यही लॉजिक लगाना है आपको मैच स्टार्ट होने से पहले यही समझ लेना है कि जो मैच हो रहा है वो इसी तरह से जाने वाला है और आपको एक टीम इसी लॉजिक से बनाना है और जब ये लॉजिक पकड़ा जाएगा ना तो समझ में आप रैंक वन में आओगे ही आओगे तो करना क्या है देखो जब इंडिया ने फर्स्ट में बैटिंग किया इंडिया ने फर्स्ट में बैटिंग किया एक सौ एक सौ आठ विकेट के नुकसान पर एक सौ रन तो बनाया है लेकिन इसका आठ विकेट गिर चुका है तो ये जो आठ विकेट गिरा है वो कौन लेगा सिंपली भाई बात है कि पाकिस्तान का जो बॉलर होगा वही ने विकेट लिया होगा तो करना क्या है कि जो पाकिस्तान का जो टोटल जो बॉलर है ना ये टोटल पांच जो बॉलर है इसको आपको अपने टीम में ले लेना है चूंकि आठ विकेट गिरा है तो किसी बॉलर ने एक विकेट लिया होगा किसी ने दो लिया होगा किसी ने तीन लिया होगा समझ में आ चुका है तो सिंपली करना क्या है पाकिस्तान का जो प्रॉपर जितना भी बॉलर होगा उसको आपको अपने टीम में ले लेना है अब यहां पर ध्यान से देखोगे तो इधर से देखो इंडिया का स्कोर कितना है 190 रन है लेकिन आठ विकेट के नुकसान पर यानी इंडिया का जो ये वाला देखो टॉप ऑर्डर का चार जो बैट्समैन है ये वाला चार बैट्समैन है प्लेयर वन प्लेयर टू प्लेयर थ्री और प्लेयर फोर इन्होंने ही ज्यादा परफॉर्मेंस किया है चूंकि एक रन बना है यानी इन चार प्लेयर ने बेहतरीन परफॉर्मेंस कर दिया है लेकिन इसका जो इधर वाला प्लेयर है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं किया है चुकी आठ विकेट गिरा है किसी ने पांच रन मारा होगा किसी ने रन दो मा रन मारा होगा यही आपको सोचना है तो करना क्या है एक रन बना है यानी कि बैट्समैन जो है इंडिया का उसी ने परफॉर्मेंस किया है तो इंडिया का जो ये वाला बैट्समैन है चार बैट्समैन इसको आपको अपने टीम में ले लेना है तो इधर से आपका पांच आपका प्लेयर हो चुका है पाकिस्तान के तरफ से पांच बॉलर और चार आपका इंडिया के तरफ से आपका बैट्समैन हो गया अब ध्यान से देखोगे तो पाकिस्तान का स्कोर कितना है एक सौ इक्नवे रन है जब वो सेकेंड इनिंग में बैटिंग किया यानी मैच को जीत गया है इंडिया से एक सौ इक्नवे रन बनाया है वो भी एक विकेट के नुकसान पर

कर दो लेकिन बैट्समैन ने परफॉर्मेंस किया है तो इंडिया का जो बैट्समैन है उसको अपने टीम में ले लो और इधर से देखो आठ विकेट गिरा है तो पाकिस्तान के बॉलर ने विकेट लिया होगा तो सभी बॉलर को अपने टीम में ले लेना है और इधर से आपका एक विकेट गिरा है 191 रन आने की पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर का जो बैट्समैन है उन्होंने परफॉर्मेंस किया है तो सिंपली करना क्या है इधर से चार इधर से पांच चार और पांच नौ और इधर से दो एक ग्यारह हो गया तो आपको अपने टीम में एक ग्यारह प्लेयर ही लेना होता है और अगर आप लोगों ने इस प्रकार से मैं बोलता हूं इस लॉजिक से आप हर एक मैच में एक टीम जरूर बनाना और जिस दिन आपका लक साफ देगा ना जिस दिन आपका इस लॉजिक से मैच चला गया ना और अगर दस मैच होता है ना तो इसमें से आठ मैच आपका इसी लॉजिक से होता है आप लोगों ने कई बार देखा होगा तो आपको हर एक मैच में इस लॉजिक से एक टीम लगाना ही लगाना है इसी प्रकार से आपको पहले ही पता कर लेना है कि मैच इसी प्रकार से जाने वाला है और इसी के अकॉर्डिंग आपको टीम लगाना है और जिस दिन आपका लक साथ देगा ना जिस दिन मैच इस प्रकार से चला गया ना एक तरफा आप विनिंग करोगे और आपके सामने अगल बगल में कोई भी नहीं रहेगा इस बात को याद रखना और रैंक वन में आकर अच्छा खासा विनिंग भी करोगे चूंकि ये लॉजिक किसी को भी पता नहीं होता है हो सकता है शुरुआत मैच में आप हारोगे एक से दो मैच

चैनल में आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलता रहता है जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है